चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह सोलंकी ने कहा, उन्होंने मधु विहार की जनता से ये वादा किया था, यहाँ पर जब तक बिजली पानी सड़कें लोगों तक नहीं पहुँच जाती तब तक अपना बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। इस अवसर पर पालम विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक भावना गौड़ भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि पालम विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए रणवीर सिंह सोलंकी का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रेकिंग न्यूज से बात करते हुए रणवीर सिंह चौधरी ने कहा, जिन क्षेत्रों में ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। साल की बात, हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मधु विहार वार्ड के अंदर मनाते हैं हर साल राष्ट्रीय चेतना मंच के तत्वधान में, और आज विशेष अगर यही था जो मैं कॉलोनी का प्रधान होने के नाते से जो हमने प्रण किया था, भाई मैं कॉलोनी का प्रधान हूँ, मैं गांव का कॉलोनी का ऋणी हूँ, मैं इस ऋण को तब उतारूंगा जब मैं पानी बिजली सड़क स्कूल सिवर जब तक नहीं आएंगे मैं बाल दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां सरकार की ऐसी रही हैं, लगते लगते आज 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज हमारी कॉलोनी में सिवर तक के उद्घाटन हो गए, स्कूल बन चुके हैं और बिजली लाइट वगैरह आ चुकी हैं। जो मैंने सोचा था, जो बोला था, उसके बाद ही अगर बाड़दाडी का परित्याग किया, लेकिन आज वास्तव में जकड़ा हुआ जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार से। युवाओं से एक अनुरोध करता हूँ, भाई इस पर अंकुश लगा दे और भ्रष्टाचार जिस दिन खत्म हो गया अपना देश वास्तव में भारत की सोने की चिड़िया है और रहेगा। जितना भी मेरा जीवन बचेगा निस्वार्थ भाव से अपने समाज की सेवा करूंगा, देश हित में काम और विकास में जो भी होगा। और 5 साल के अंदर 99.99% एरिए में मैंने अपनी तरफ से और अपनी सरकार के कामों के माध्यम से पानी को टैंकर से निकाल करके कमांड टैंक एक में डाला है और कमांड टैंक एक से मेन लाइनों को जोड़ते हुए लोगों के घरों तक उसको जोड़ने का प्रयास किया है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है पालम विधानसभा के लिए, विशेष तौर पे महिला साथियों के लिए, कि मैंने वो वादा जो लोगों ने मेरे से लिया था मैंने उसको पूर्ण करने के बाद में भी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट जनप्रतिनिधि होते हुए मुझे लगा था कि लोग मुझे कहें उससे बेहतर ये है, मैं एक पढ़ी लिखी विधायिका हूँ, पालम की हूँ, यही रहती हूँ, तो उनके कुछ कहने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि लोगों को क्या आवश्यकता है। महावीर एनक्लेव में सीवा डलवाए, मधु विहार में सीवा डलवाए, मधु विहार वार्ड से मैं पार्षद होती थी 97 में, जो काम उस समय मैंने जहाँ अधूरे छोड़े थे 18-20 साल का एक लंबा चौड़ा अरसा बीच से निकला, और इस बीच में पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, लोकसभा के मेंबर भी रहे, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ा। लोगों ने मुझ में विश्वास जताया कि ये पुराने काम, ये अधूरे काम जहां 1997 में छूटे थे वो अब आप पूरा करेंगे। मैंने आने के बाद में वहां लोगों के लिए 70 करोड़ रुपए का सीवर की लाइन मैंने तैयार करवाई है, जो काम वहाँ पर चल रहा है। लोगों को बहुत मेरे से उम्मीद है और मैं आपको कहना चाहूँगी, व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी और कांग्रेस के कामों को भी उन्होंने देखा है। टैंकर माफिया मेरे यहाँ होते थे, काम के नाम पर कुछ भी नहीं था, अनऑथराइज कॉलोनिया। इस कार्यक्रम में मौजूद मधु विहार की जनता ने बताया कि रणवीर सिंह सोलंकी ने मधु विहार की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।